अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। बड़ी ज़बरदस्त लोकेशन पे मैं बैठा हूँ जी, और देखिए मैं जहाँ पे भी बैठता हूँ मैं अपने दोस्तों को, अपनी फैमिलीज को, अपने चाहने वालों को, अपने YouTube के फॉलोअर्स को मैं बिल्कुल इग्नोर नहीं करता हूँ। मैं आप लोगों को याद रखता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम यह होता है कि जब आप लोग इसका गलत फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं कि जी ये बंदा जो है बड़ा फ्रेंडली है और इसके साथ जो है हम फ्री में कोई इन्फॉर्मेशन लेंगे, वो तो ठीक है, यहाँ पे ले सकते हैं हम, लेकिन लीगल एडवाइस के लिए इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप अपनी कंसल्टेशन जो है वो बुक करके फिर ही मुझसे बात कर सकते हैं, और मैं कंसल्टेशन की फ़ीस चार्ज करता हूँ। अच्छा, पहला सवाल, चूँकि हल्की हल्की सर्दी भी है और मैं यहाँ पर ज़्यादा बैठ नहीं सकूँगा, 9-10 मिनट की वीडियो होगी। पहला सवाल किसी ने कहा जी कि मैं स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे हूँ, और क्या मैं स्किल्ड वर्कर वीज़ा के ऊपर जो है अपने डिपेंडेंट्स को ला सकता हूँ, और ये जो अभी न्यू रूल्स आए हैं वो मुझ पर भी लागू होंगे कि नहीं। देखिए, फ़िलहाल तो ये आपके ऊपर लागू नहीं होंगे, चूँकि आप करंट रूल्स के ऊपर चल रहे हैं और आप अपनी फैमिलीज़ को, अपने डिपेंडेंट्स को बिल्कुल ला सकते हैं जी, आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन क्या आप अगर अपने डिपेंडेंट्स को 1 अप्रैल के बाद लाएंगे तो आपके ऊपर ये नया रूल लागू होगा? द आंसर इज यस, बिल्कुल आपके ऊपर जो है वो नया कानून लागू होगा जी। और क्या जो नए कानून के मुताबिक आपको 38,000 वो जो सैलरी नया थ्रेश होल्ड है वो आपको दिखाना पड़ेगा? बिल्कुल आपको वो वाला नया थ्रेश होल्ड दिखाना पड़ेगा जी। और लेकिन ये है कि 1 अप्रैल तक आपके ऊपर ये वाला पुराना कानून ही लागू होगा। लेकिन क्या आप 1 अप्रैल के बाद जो है आप, चूंकि आपका टेक्निकली मैं सवाल समझ गया हूँ, आपने कहा जी कि चूंकि आप पुराने कानून के मुताबिक हैं तो आपके ऊपर नया कानून क्यों लागू होगा? क्यों इसलिए लागू होगा कि आप अपनी डिपेंडेंट्स को उस डेट के बाद उस नए कानून के मुताबिक लाएंगे तो आपके ऊपर बिल्कुल वो नया कानून ही लागू होगा जी। अच्छा जी, आपने पूछा है जी कि अगर किसी की अर्निंग उतनी ना हो तो क्या वो फी वेवर की एप्लीकेशन या उसके ऊपर वो वाला कानून लागू होगा और वो फी वेवर की एप्लीकेशन करेंगे? तो क्योंकि आपने बड़ी लंबी चौड़ी सी बात लिखी है कि अभी पार्लियामेंट में अप्रूव नहीं हुआ, और उसमें सिचुएशन क्या हो सकती है, क्या पार्लियामेंट जो है उसका अलाउ करेगा नहीं करेगा, फिर उसके बाद ये बहुत सी लंबी चौड़ी बात है। सो इन शॉर्ट ये है कि जिस वक्त कोई गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बनाती है, जिस वक्त कोई नया कानून बनाते हैं, तो इसलिए जैसे रवांडा पॉलिसी बनी थी लेकिन वो उसको सुप्रीम कोर्ट तक ले गए, अनलॉफुल करार दिया गया, और उसके बाद अभी भी देखिए रवांडा के हवाले से नई चीज़ें आ गई। लेकिन क्या फी वेवर की एप्लीकेशन और स्किल्ड वर्कर वीज़ा, दैट्स इम्पॉसिबल। फी वेवर का मतलब ये है कि कोई बंदा असाइलम के ऊपर है, उसने फैमिली रीयूनियन करनी है, या कोई बंदा किसी के पास कोई पर्सनल इंडिपेंडेंस पेमेंट पे है, डिसेबिलिटी लिविंग अलाउंस पे है, और वो चाहता है कि उसकी उसकी फ़ीस को माफ़ कर दिया जाए और वो अपने डिपेंडेंट्स को या फैमिलीज़ को ला सके। लेकिन ये सिर्फ़ और सिर्फ ब्रिटिश के लिए है, जिनके पास ILR है, जिनके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है, या जिनके पास सेटलमेंट है, जिनके पास रिफ्यूजी स्टेटस है। लेकिन स्किल्ड वर्कर वीज़ा के लिए जो है ये वाला कानून फी वेवर का बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। अच्छा जी, आपने पूछा है कि जो लोग ऑलरेडी स्पाउस वीज़ा के ऊपर UK में हैं तो क्या उनके ऊपर जो है ये नया कानून लागू होगा? देखिए, जो इस वक्त ऑलरेडी स्पाउस वीज़ा के ऊपर UK में हैं उनके ऊपर मैं नहीं समझता कि न्यू कानून ये जो नए साल से लागू होगा वो उनको उनकी उस एक्सटेंशन के ऊपर भी लागू होगा, बिल्कुल नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि अगर ये इस तरह की पॉलिसीज़ करेंगे कि जी के जो नया कानून आ रहा है उसके बाद यह है कि आप इस वक्त लेट से आप ब्रिटिश हैं, आपके पास स्पाउस वीज़ा है, या आपका स्पाउस है और आपने न्यू ईयर में उनकी एक्सटेंशन, लेट से उनकी एक्सटेंशन जो है वो 2024 के एंड में उनकी ड्यू है, तो क्या वो 38,700 के रूल्स पे जाएंगे? नॉट एट ऑल। चूँकि वो पुराने रूल्स के मुताबिक UK में आए हुए हैं, उनके पास 18,600 वाला थ्रेशहोल्ड है, सो उनकी जो वीज़ा एक्सटेंशन है वो बिल्कुल बिल्कुल जो है वो 18,600 के ऊपर ही उनकी एक्सटेंशन होगी। उनके ये नया लॉ जो आएगा, जो 1 अप्रैल के बाद आएगा, या जब भी वो उसको एग्जैक्ट डेट उसकी आएगी, उसके बाद जो लोग स्पाउस वीज़ा पे आएंगे, ये 38,700 का कानून वो उसके मुताबिक वो लोग आएंगे, स्पाउस वीज़ा 38,700 के मुताबिक उनको मिलेगा, और उनकी एक्सटेंशन जो है वो भी उसी कानून के मुताबिक चलेगी। सो फार जो लोग इस वक्त पिछले लॉ के मुताबिक हैं उनके ऊपर जो है वो पुराना लॉ ही चलेगा, और उनकी एक्सटेंशन जो है
आई डू होप के 18,600 के ऊपर ही चलेगी अनटिल अनलेस अगर गवर्नमेंट उसमें कोई नई पॉलिसी इंट्रोड्यूस करती है या नई चीज़ें करती हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ बीइंग एक वकील के अगर वो इस तरह का कोई काम करेंगे कि जी के एक्सटेंशन के ऊपर भी नया कानून चले और 38,700 के मुताबिक आपको एक्सटेंशन करवानी पड़े, आई थिंक दैट्स अ लीगल पॉइंट। उसके ऊपर जो है वो कोर्ट्स जो हैं वो लाजमी एक्शन लेंगी। और मैं नहीं समझता कि न्यू लेट्स से मैं ऑलरेडी यहाँ पे 2 साल से यहाँ पे हूँ एज अ स्पाउस और मेरी एक्सटेंशन जो है वो ड्यू है August 2024 में, तो क्या मैं 38,700 शो करूँगा? नॉट एट ऑल। मैं 18,600 के ऊपर ही एक्सटेंशन अप्लाई करूँगा सितंबर में, अक्टूबर में, नवंबर में, नेक्स्ट ईयर जब भी मेरा पिछला स्पाउस का वीज़ा जो है वो एक्सपायर होने को आएगा। और अगर वो मुझे रिफ्यूज़ करेंगे तो डेफिनेट मैं तो वो कोर्ट में जाऊँगा, चैलेंज करूँगा। चूँकि जब मुझे वीज़ा इशू किया गया मेरे ऊपर लागू जो कानून था वो 18,600 का था, तो मैं अब 38,700 के ऊपर मैं वो उस पे उस लॉ में नहीं आता, तो मेरी एक्सटेंशन जो है वो पिछले कानून के मुताबिक ही होनी चाहिए और ऐसा ही होगा। और मैं नहीं समझता कि इस तरह के जो चीज़ें हैं वो गवर्नमेंट करेगी या होम ऑफिस भी इस तरह की चीज़ों के ऊपर वीज़ा रिफ्यूज़ करेगा। सो आप अगर पुराने लॉ के मुताबिक करते हैं तो आपकी एक्सटेंशन जो है वो भी 18,600 के मुताबिक ही होगी जी। एंड ऑल द वेरी बेस्ट। वाह जी वाह, हवा चल रही है जी, लेकिन बड़ा मज़ेदार मौसम है। और आप लोकेशन देखिए, बड़ी खूबसूरत लोकेशन जो है मैंने ढूंढी है। लोग वो लोकेशन ढूंढते हैं गाना गाने के लिए या किसी की बाहों में बाहें डाल के जो है वो चीज़ें चलाने के लिए या ऐसी इस पैथ के ऊपर वो कहें ये कहाँ आ गए हम यूं ही साथ साथ चलते। तो अभी हमारे साथ तो खैर चलने वाला कोई नहीं है, तो हम खुद ही चल रहे हैं आपके साथ। जो है अभी इनका वकील भास्कर, मुझे लोग कहते हैं जी कि आप भाई इतने सालों से वकालत में हैं तो ये कैसे मेंटेन कर लेते हैं। एक ने किसी दिन मेरी वीडियो पे कमेंट्स किया, बारी साहब दफ़ा किया करें, आप ऐसी जगह पे जाते हैं अपनी लाइफ को एंजॉय करें, आप क्या इमिग्रेशन सवालों के जवाब देते हैं। मैंने कहा यार अपनी लाइफ को अगर मैं शेयर करता हूँ तो आप लोगों में हौसला ही नहीं होता, हिम्मत ही नहीं होती वो वीडियो देखने की। ओ मैं वाह ब्यूटीफुल, मज़ा आ गया। ये जो हवा का झोंका पड़ा ना, हाँ ये हवा का झोंका है या तेरे बदन की खुशबू है? तो आज वो अमिताभ बच्चन की एक फिल्म थी सिलसिला जो है वो उन्होंने रेखा के साथ की थी, वो आज सारी मुझे इस लोकेशन पे याद आता। अरे आपने वो फिल्म नहीं देखी तो वो देखिएगा, सिलसिला मूवी का नाम था, अमिताभ बच्चन साहब जो है और उनके साथ रेखा है, कई दहाइयों तक जो है उनका वो जो था स्कैंडल्स भी चलते रहे और बड़ा कुछ चलता रहा। सो किसी दिन मैं बात करूंगा उस टॉपिक के ऊपर भी। चलिए अच्छा सवाल इन्होंने किया जी कि बायोमेट्रिक के बाद जो है वो केस का कितनी देर में डिसाइड कर देते हैं। सो इट्स ऑल डिपेंड कि आपका केस क्या है, क्या आपका असाइलम का केस था बायोमेट्रिक हुए, क्या आपका स्पाउस का केस है या आपका कौन सा केस है कि जिसके ऊपर वो बायोमेट्रिक के बाद डिसाइड करें, क्या आपका प्रायोरिटी वाला केस था। सो अगर आपने 500 पे किया है उनको इनसाइड दी कंट्री, सो देन दे विल डिसाइड योर केस विद इन 5 working days। लेकिन बोलते 5 days हैं, 15 दिन 15 days वो ले जाते हैं। एंड इफ़ यू हैव पेड £800 देन दे डिसाइड योर केस विद इन 8 working days। ऑल डिपेंड, अगर आपका आउटसाइड कंट्री केस है तो वो उसके मुताबिक जो है वो डिसाइड करते हैं जी। सो चलते हैं किसी अंदर इनसाइड गर्म जगह पे चलते हैं, ये कहाँ आ गए हम यूं ही साथ साथ चलते। आगे की क्या लाइन है यहाँ पे, अगर किसी को पता है तो वो खुद ही लिख दें कि तेरी बाहों में है डलते मेरे जिस्म जहाँ पिघलते। तो वो क्या है और कि कितनी और लाइनें मैं आपको सुनाऊं, ये कहाँ आ गए हम यूं ही साथ साथ चलते। अच्छा जी आज की इस वीडियो का लास्ट सवाल है रवांडा के हवाले से है कि उन्होंने कहा जी कि मैं तो ऑलरेडी यूके में हूँ और ऑलरेडी मैं ऑलरेडी यूके में इन हूँ। दो चीज़ें हैं इसमें, तो क्या मैं ऑलरेडी यूके में इन हूँ और मैं तब असाइलम करता हूँ तो तब मेरी क्या पोजीशन है, और अगर मैं असाइलम क्लेम कर देता हूँ तो तब मेरी क्या पोजीशन है। सो इसमें दो टेक्निकल से सवाल आते हैं, एक तो ये है कि आपने ऑलरेडी अगर असाइलम सीकर हैं तो तब आपकी क्या पोजीशन है, और अगर आप अब असाइलम करते हैं आफ्टर ये जो करंट सिचुएशन है तो तब आप की क्या सिचुएशन आती है। सो देखिए वो लोग जो ऑलरेडी यूके के अंदर मौजूद हैं और उसके बाद वो अगर तो उनका ऑलरेडी असाइलम चल रहा है सो उनको भी फिलहाल जो है वो मैं नहीं समझता कि बाय लॉ जो है उनको वो रवांडा में शिफ्ट करेंगे। नंबर वन।
सेकंड ये है कि अगर आप ऑलरेडी यूके में लीगल तरीके से एंटर हुए हैं तो तब भी आपको वो जो है वो रवांडा में शिफ्ट जो है मैं नहीं समझता कि वो करेंगे। अगर करेंगे सो दैट्स द केसेस जहाँ पे जो है वो कोर्ट्स जो हैं वो एक्शन में आएंगी और उसके बाद जो है वो ऑब्वियसली सीरियस एक्शन भी लेंगी। सो ये कानून जो है रवांडा के हवाले से ये उनके लिए है जो नए लोग आएंगे जो यूके में बगैर डॉक्यूमेंट्स के एंटर होंगे, जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स हैं नहीं और उसके बाद वो यूके में एंटर हुए और उसके बाद उन्होंने आके असाइलम क्लेम कर दिया। उन्होंने जो ही असाइलम क्लेम किया और वो बगैर डॉक्यूमेंट्स के यहाँ पे एंटर हुए हुए हैं तो उसके बाद की जो सिचुएशन है ऑब्वियसली जो नया लॉ है उसके मुताबिक उनको रवांडा में ही शिफ्टिंग के हवाले से जो प्लान्स हैं उसमें अभी काफ़ी ज़्यादा अपडेट्स और काफ़ी ज़्यादा चेंजेस जो हैं वो आ चुकी हैं रवांडा के हवाले से। और मैं होपफुली जो है मे बी नेक्स्ट वीक मंडे को जब मैं ऑफिस में आऊँगा तो मैं वो रवांडा की जो नई पॉलिसीज़ हैं और उसमें कितने लोगों को जो है असाइलम सीकरों को जो है वहाँ पे शिफ्ट किया जा रहा है, कितने लोगों को जो एग्जिस्टिंग असाइलम सीकर्स हैं उनको शिफ्ट किया जा रहा है, उसकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मैं आपके साथ होपफुली मंडे या ट्यूसडे की वीडियो में शेयर करूँगा। वो लोग जो इस वक्त असाइलम पे हैं इस वक्त या असाइलम करने का सोच रहे हैं तो उनके लिए ये मैसेज भी है कि आप नेक्स्ट वीक में जो है वो मेरी असाइलम के हवाले से नई वीडियो जो है वो लाजमी देखिएगा। आज की इस वीडियो में मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा और आज की वीडियो जो है वो मैंने आपके लिए स्पेशल की है, इस तरह के वेदर में भी की है, आपको बैकग्राउंड लोकेशंस भी दिखाई हैं। नीचे कमेंट्स लाजमी कीजिएगा, लाजमी नहीं होता कि आप अगर आपकी कोई आपके सवाल का जवाब है तो तभी आप कमेंट्स करें। वैसे तो बहुत से लोग ऐसे हैं जिसका मुझे बहुत अफसोस होता है, जिन लोगों ने सवाल किया होता है मैं उनका जवाब देता हूँ उते वो जवाब लै के ना तो कई लोग फौत हो जाते हैं, कई लोग जन्नत से चल जाते हैं, कई लोग गायब हो जाते हैं। सो बहुत अफसोस होता है, कम से कम जिन लोगों के सवालों का जवाब दिया होता है कम से कम भाई साहब आप तो शुक्रिया तो कम से कम अदा किया करें। चलिए आज की इस वीडियो से मुझे इजाज़त दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा, टेक केयर, बाय फॉर नाउ, थैंक यू।